पाली के रोहट में आयोजित हो रही राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में बाड़मेर के स्काउट गाइड अपनी मायड़ भाषा, यहाँ के लोक रंग, लोक गायन और कला संस्कृति से देश और विदेश के 35,000 लोगों को रोमांचित करेंगे। अपने इस खास प्रदर्शन को लेकर सरस्वती बाड़मेर में सैकड़ों विद्यार्थी इन दिनों तैयारियों में जुटे हुए हैं। जम्बूरी कार्यक्रम का आगाज बाड़मेर के गैर व घूमर नृत्य से होगा, जिससे यहाँ के स्काउट्स बहुत उत्साहित हैं। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है, पहले दूसरी जम्बूरी हुई थी जयपुर में और उसके बाद में ये दूसरी जम्बूरी हो रही है, 18वीं है नेशनल लेवल की। इसमें 35,000 की संख्या में स्काउट गाइड और उनके टीचर वगैरह इकट्ठे होंगे और बाड़मेर से 24 स्कूल है और 24 में 8-6 तो है गाइड सेक्शन से और 18 है स्काउट सेक्शन से। रिको की 300 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर ये पूरी जो जम्बूरी है उसकी बसावट होगी और ये स्काउट गाइड जो बच्चे हैं टेंटों में ही रहेंगे, अपना खुद का खाना पीना, स्काउटिंग जो स्किल्स है उनका वहाँ प्रतियोगिता। धूमधाम से इससे जो है डेली रूटीन के अनुसार सुबह 6:30 बजे से जो है व्यायाम सत्र से अपनी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए भरसक सारे स्काउट प्रयत्न कर रहे हैं और विभिन्न एक्टिविटियों को संचालित करने के लिए पूरे जो ट्रेनर के द्वारा अटेंड किया जा रहा है। जम्बूरी में बाड़मेर के स्काउट गाइड कैंप क्राफ्ट की अलग पहचान है और इसी पहचान को कायम रखने के लिए सरहदी बाड़मेर के स्काउट गाइड घूमर व गैर नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस जम्बूरी में देश व विदेश से 35,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। यहाँ अपने यहाँ घूमर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, विशेष रूप से सनावड़ा के स्काउट्स हैं और उसके साथ में अन्य स्काउट्स भी यहाँ घूमर में भाग लेकर के और इसकी छटा से सबका मन मोहित करते हैं। इससे पहले भी शंकरपल्ली में जब जम्बूरी हुई थी उस समय भी अपने यहाँ की धूम मची थी, जहाँ विशेष रूप से इस गैर वालों को बुला करके प्रदर्शन करवाया गया था। और इसके अलावा यहाँ तैयारी के साथ में और पूरी वेशभूषा के साथ में वहाँ हम इस गैर का नृत्य का प्रदर्शन करेंगे।